नमस्कार प्यारे हिमाचल वासियों, तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। राज्यपाल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की विजेता आस्था को किया सम्मानित। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने आज आस्था शर्मा को राजभवन बुलाकर उनकी प्रतिभा का सम्मान किया। राष्ट्रीय युवा संसद की भाषण प्रतियोगिता में आस्था ने प्रथम स्थान हासिल कर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज संजोली शिमला में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल ने आस्था को हिमाचली टोपी, शॉल और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। आस्था और उनके माता पिता के लिए यह गौरवमय क्षण थे जब राज्यपाल ने उनसे भेंट करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि आस्था के पिता मनमोहन शर्मा से बागवान है, माता रेखा शर्मा गृहिणी है। वह शिमला जिले के कोठगढ़ के लोस्टा गांव से संबंधित है। राज्यपाल ने कहा कि विद्या अर्जन से ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा है, विद्या कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने कहा कि महान लेखक, साहित्यकार, कवि व कलाकार अपनी प्रतिभा से ही जीवित रहते हैं। उन्होंने आस्था को और मेहनत कर जीवन में सफलता हासिल करने की प्रेरणा दी। कयाकिंग में पुरुषों की 1000 मीटर प्रतिस्पर्धा में आईटीबीपी की टीम ने जीता स्वर्ण पदक। जिला ऊना के कुटलहड़ के अंदरौली में 22वीं अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज कैनोइंग और कयाकिंग प्रतियोगिता के तहत 1000 मीटर श्रेणी की फाइनल प्रतिस्पर्धाएं हुई। वहीं देश भर से आई टीम गोविंद सागर झील के पानी में रोमांच दिखा रही है। बता दें कि कयाकिंग में पुरुष वर्ग की 1000 मीटर प्रतिस्पर्धा में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल सीआरपीएफ अंडमान और निकोबार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस की टीमों ने भाग लिया। वहीं आईटीबीपी की टीम ने 4:04:775 मिनट में रेस पूरा कर स्वर्ण पदक जीता। बीएसएफ ने रजत, सीआरपीएफ की टीम ने कांस्य पदक जीता है। शिमला कॉलेज में एबीवीपी एसएफआई की छात्राएं भिड़ी, एक दूसरे पर डंडे और पत्थर बरसाए, मोमोज खाते में दोनों में हुई कहासुनी। हिमाचल के शिमला स्थित आरकेएमबी गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। छात्राओं ने एक दूसरे पर डंडे पत्थर से हमला कर दिया। वहीं इस दौरान कुछ छात्राएं चोटिल हो गई। एबीवीपी एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस झड़प में कुछ छात्र भी शामिल थे। पुलिस के बीच बचाव करने के बाद मामला शांत हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि आरकेएमबी कॉलेज एबीवीपी कैंपस इकाई की छात्राएं लॉन्गवुड में स्टॉल पर खड़ी मोमोज खा रही थी। इसी बीच वहां पर कुछ एसएफआई से संबंधित छात्राएं भी पहुंच गई। इनके साथ कुछ एसएफआई कार्यकर्ता भी थे। दोनों ओर से बहसबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से एक दूसरे पर दरांत, रोड वो डंडों से हमला कर दिया गया। हालांकि अभी एबीवीपी एसएफआई छात्रा कार्यकर्ताओं की ओर से पुलिस थाना में शिकायत तो दे दी गई है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस दोनों पक्षों में समझौता करवाने का प्रयास कर रही है। वहीं कॉलेज कैंपस में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। भाजपा ने निकाली आक्रोश रैली, जयराम बोले 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकारी संस्थानों में तालाबंदी करने वाले मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाएंगे। यह बात उन्होंने आज ढालपुर चौक में जिला भाजपा की आक्रोश रैली के दौरान कही। जयराम ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। प्रदेश में जिस तरह के हालत पैदा किए जा रहे हैं उसे देखते हुए लगता है कि यह सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। वहीं विपक्ष के नेता ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सरकार के खिलाफ विपक्ष मात्र 2 से 3 माह के भीतर ही सड़क पर उतर गया है। आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री और सरकार ने बदले की भावना से काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने विकास में ताला लगाकर गारंटियों पर फोकस किया है। जयराम ने कहा कि कांग्रेस की गारंटियां तो पूरी नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस की गारंटी गोल हो जाएगी। इसके अतिरिक्त पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम पहले कैबिनेट में नहीं रहे, इसलिए उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। पूर्व सरकार ने जनता की मांग पर खोले संस्थानों में डॉक्टर, एसडीएम, बीडीओ और पटवारी लगाए थे। लोगों को सुविधा मिलना शुरू हो गई थी। कांग्रेस ने सत्ता में आते ही इन्हें बंद कर दिया। अब मुख्यमंत्री ने सूबे में 200 स्कूलों और 20 कॉलेजों को बंद कर दिया है। ऋण लेने पर जयराम ने कहा कि कांग्रेस की पूर्व सरकार 50,000 करोड़ का ऋण छोड़कर गई थी।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार में कुल 69,500 करोड़ का ऋण था। कांग्रेस इसे बढ़ाकर 75,000 करोड़ बता रही है। मुख्यमंत्री व्यवस्था बदलने की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बना दिया और मुख्यमंत्री की तरह सुविधा दी गई। ऐसे में प्रदेश में एक नहीं दो मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने विधायकों को कुछ नहीं दिया, बल्कि अपने संगी साथियों को सलाहकार बनाकर उन्हें कैबिनेट का दर्जा दिया गया। महतपुर में शव रखकर दूसरे दिन भी चक्का जाम, पुलिस ने सील किया अस्पताल। नाक के ऑपरेशन के बाद 39 साल के रविंद्र कुमार की मौत से गुस्साए ग्रामीणों का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। महतपुर में शव रखकर चक्का जाम कर दिया गया है। संपर्क मार्ग से वाहनों को भेजा जा रहा है। इस बीच ग्रामीणों ने संपर्क मार्ग पर भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। परिजनों ने कहा कि मामला हल न हुआ तो रेल ट्रैक को बाधित करेंगे। वहीं पुलिस ने हालात को देखते हुए मालिक अस्पताल परिसर को सील कर दिया है। इससे पहले परिजन और ग्रामीण रात भर प्रदर्शन करते रहे। संतोषगढ़ में वाहन खड़े कर सड़क मार्ग जाम कर दिया गया। वहीं पिछले कल भी रविंद्र कुमार की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने चंडीगढ़ धर्मशाला मुख्य मार्ग पर महतपुर में निजी अस्पताल के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने NH पर चक्का जाम कर डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग उठाई। पुलिस अधिकारियों के समझाने पर भी प्रदर्शनकारी नहीं माने और अड़े रहे। शाम 7 बजे प्रदर्शनकारियों ने संपर्क मार्ग जाम कर दिए। अर्की में स्कूल बस और बाइक की टक्कर, डमलाना घाटी के पास युवक की मौत, ज्यादा स्पीड के कारण नहीं कर पाया कंट्रोल। हिमाचल के अर्की में भराड़ी घाट सड़क पर डमलाना घाटी के पास बस और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार आज दोपहर को पिपलू घाट की तरफ बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस नंबर HP 11A2087 की सामने से रोंग साइड आई बाइक नंबर HP 66A1846 से टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अर्की के रहने वाले निकेतन 20 वर्षीय के रूप में हुई है। TGT के 52 पदों के लिए काउंसलिंग 10 मार्च को, अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध। जिला ऊना शिक्षा विभाग द्वारा TGT आर्ट्स, नॉन मेडिकल व मेडिकल के 52 पद बैच वाइज व अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। इन पदों के लिए ऊना जिला रोजगार कार्यालय ऊना तथा रोजगार कार्यालय अम्ब हरोली तथा बंगाणा द्वारा जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रायोजित किए गए हैं, उनके लिए कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक में 10 मार्च को काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक देवेंद्र चंदेल ने बताया कि काउंसलिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी तथा अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सप्ताह के भीतर तीसरी कैबिनेट बैठक 6 मार्च को, फिर लिए जाएंगे अहम फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक 6 मार्च सोमवार को होगी। सप्ताह के भीतर राज्य मंत्रिमंडल की यह तीसरी बैठक होगी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में दोपहर 2 बजे से राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होगी। वहीं से पहले 1 और 3 मार्च को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हो चुकी है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल। बंगाल से सिद्धि प्राप्त 64 शक्तियों के माहिर, इमीडिएटली रिजल्ट बाबा सलीम खान, पक्का काम तुरंत समाधान, हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। इट इज माई प्रॉमिस। जैसे नौकरी कारोबार, घर में क्लेश, किया किराया, जादू टोना, लव मैरिज प्रॉब्लम, सौतन दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा, स्पेशलिस्ट मनमोहनी वशीकरण व मुठ करनी, घर बैठे 11 घंटों में A to Z समस्याओं का पक्का समाधान करवाएं। 101% गारंटी स्टाम्प पेपर पर लिख कर लें। अभी फोन करें मोबाइल नंबर 8860581665।